हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि और वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे आप खा के स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। तो यहां पे देखिए, कुछ वेजेस हमने लिए हुए हैं जो कि घर पे नॉर्मल पड़ा रहता है, तो इससे बहुत अच्छे से नाश्ते आप बना सकते हैं। गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, धनिया पत्ता है। तो सभी को एक बाउल में बारी बारी से करके ऐड कर दे। तो एक बड़े से बाउल में सारे वेजेस को हम एक साथ ऐड कर देंगे, बारी बारी से करके सभी को डाल देंगे। तो इसमें मैं आलू का यूज नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इसे जो घर पे मतलब नॉर्मल वेजेस पड़े हैं, सब्जियाँ पड़ी हैं, मैं उसी के साथ इस रेसिपी को ट्राई कर रही हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा और बहुत ही हेल्दी रहेगा। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा क्या मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी सब्जी है उस हिसाब से हमें नमक लेना है। नमक हमने ऐड कर दिया है, अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, थोड़ा सा जीरा पाउडर यहाँ पे हमने ले लिया है और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ मिक्स मसाला, जो कि हम डेली सब्जी यूज में यूज करते हैं, तो उस मसाले को हमने ले लिया है। टेस्ट अकॉर्डिंग आप मसाला ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। हल्का सा हाथों से इसे बस इस तरह से कोट कर देंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सैजन चटनी लिया हुआ है, आप इसकी जगह तीखी वाली लाल चटनी भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी आप यूज़ करिएगा, तीखी चटनी यूज करनी है, हरी धनिया की भी तीखी चटनी ही यूज करनी है। तो इसे हम इसमें एक चम्मच के करीब हमें इसे डाल देना है, जिससे कि इसके मतलब इसका जो स्वाद है बहुत ही मतलब लाजवाब हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया हो जाएगा। और इसे हाथों से ही मिक्स करेंगे इस चटनी को, ताकि सारी मतलब वेजेस में चटनियाँ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा कच्चे वेजेस का स्टफिंग बन के रेडी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे थोड़े देर के लिए। आगे की जो प्रोसेस है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। धनिया भी जरूर डाल दीजिएगा। कढ़ाई रख दिया गैस पे, जिसमें एक टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल ऐड किया है। वह है ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, आधा टेबल स्पून के करीब हमने जीरा डाला। जीरे को अच्छे से क्रैकल हो जाने देते हैं, फिर इसमें धनिया ऐड कर देंगे, धनिया का पत्ता। डंठल के साथ में ही मैंने ऐड किया है, नाश्ते के अंदर अच्छा लगेगा देखने में। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे जिससे कि कलर बहुत प्यारा आएगा। हल्दी बहुत थोड़ा लीजिएगा, नहीं तो आपके जो नाश्ते का कलर है रेड हो जाएगा। एकदम थोड़ा लेंगे तो बहुत सुनहरा पीला कलर आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, जो भी चीज़ें हमने डाला था उसे कुक कर लिया है। अब कप के मेज़रमेंट से हम यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, 1.5 कप। जिस कप से हमने पानी लिया है उसी कप से हमने 1 कप सूजी लिया है, 1 कप ही सूजी। मतलब हमें डो को, जो इसका डो बनाएंगे उसे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएंगे, इसलिए हमने 1 कप सूजी में 1.5 कप पानी लिया है। हमने नमक भी थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। ध्यान रखिएगा स्टॉपिंग में भी नमक है। अब थोड़ी थोड़ी से करके इसमें सूजी को ऐड करेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम लो रखिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाना, ताकि ये ठीक हो जाए और डो फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा सूजी डो फॉर्म में आ गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करके रेसिपी बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे, इसमें हम ठंडा होने के बाद 2 चम्मच मैदा ऐड कर देते हैं और इसकी बाइंडिंग के लिए, और इसे हाथों से अच्छे से गूंथेंगे। सारा मैदा इसके अंदर जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा तब तक हमें इसे गूंथना है।
तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे गूथना स्टार्ट कर दिया है और अच्छे से गूथ भी लिया है। बनाई हुई स्टफिंग जो है वो भी रेडी है और यहाँ पे हमारा डो भी रेडी है। अब करना क्या है, इस तरह से एक एक लोई लेना है और इसे चकली मतलब कटोरी नुमा बनाना है, थोड़ा सा गहरा कि हमारी फिलिंग्स जो है वो अच्छे से इसमें सेट हो पाए। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से एक एक चम्मच हम डालेंगे और इसे इस तरह से हाथों से सेट करते हुए भर देंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमने इसे यहाँ पे क्लोज कर लिया है। अब एकदम गोल सा हिस्सा जैसे लड्डू बनता है उस तरीके से हम यहाँ पे इसे बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना हमारा नाश्ता। तो फ्रेंड्स सारे नाश्ते को इसी तरीके से बना लेते हैं और बना के तैयार कर लेते हैं। दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ और फटाफट से सभी को बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो बनाते बनाते आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और नए लोग अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका प्यार हमें भी मिलता रहे। तो ये देखिए हमारा बातों बातों में हमारा दूसरा नाश्ता भी रेडी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, सभी को बनाते हैं और गैस के पास चलते हैं और इसे फ्राई करते हैं। हम इसे डीप फ्राई करेंगे। 5-6 पीसेस हमने रेडी कर लिया है यहाँ पे बना के। तेल को हमने पहले ही गरम कर रखा था, इसे फ्राई करने के लिए, और ऑलरेडी तेल गरम है। अब गरम तेल में इसे हम ऐड करेंगे, सूजी है इसीलिए इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। सारी चीज़ें जो हमारी सब्जियों का टेस्ट है बरकरार रहेगा, हमने उसे रोस्ट कर दिया होता तो वो नहीं मतलब अच्छे से नहीं टेस्ट आता उसका, इसलिए हमने उसे कच्चा ही रखा है ताकि हम नाश्ता जब इंजॉय करें तो सब्जियों का टेस्ट पता चले। ये देखिए उलट पुलट करते हुए हम इसे फ्राई कर रहे हैं, कितना ही प्यारा सा कलर आ गया है इस नाश्ते में, बहुत ही सुंदर सा नाश्ता बना है। ये थी मेरी आज की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आप सबसे एक न्यू वीडियो एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और सारे नाश्ते को मैं बना के चटनी के साथ इसे इंजॉय करूँगी। और आप सभी को बाय बाय और टेक केयर।